सबसे खास मौका आज यही है कि आज यशा का बर्थडे है और बस हम लोग उसका केक काटने जा रहे हैं। और ऑफकोर्स ये बहुत ही मतलब यशा ने बहुत ही इसे छोटी सी गेट टुगेदर रखी है बहुत ही खास लोगों के साथ में, तो हम सब उसमें यू नो शरीक हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और यशा इज़ सच अ नाइस गर्ल, शी इज़ माई को आर्टिस्ट एंड आई एम रियली यू नो ओवरवेलम्ड वर्किंग विद हर, आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद हर। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप हमारे शो को भी देखते रहें और दारा का और बर्थडे इसी तरह साथ में मनाते रहें। क्या मैं वीर दारा बहुत अच्छा लगता है हीरो में क्या? वेल यशा जी के साथ मैं ज़्यादा रहता नहीं हूँ क्योंकि मेरे भाई के साथ, मेरे भाई के साथ वो शूट करती हैं, बट जब जब उनसे मिला हूँ वो हमेशा स्वीट रही हैं और डेफिनेटली बहुत मज़े करते हैं जब भी हम मिलते हैं, बहुत डांस करते हैं, तो आज उनके उनका बर्थडे है, पार्टी है, तो आज भी हम खूब डांस करेंगे। यशा से तो मैं अभिषेक की वजह से ही मिली हूँ एंड शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ ऑसम एंड आई लव वीर ज़ारा, वी लव हीरो। एक्चुअली ऐसा कोई हमारा कोई सीक्रेट है नहीं क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, हम लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत हंसते हैं और साथ में खाना खाते हैं और सारे सीन्स वगैरह हम लोग ऐसे साथ में रिहर्स करते हैं और हम लोग वी आर लाइक अ फैमिली, मैं, यशा, बंटू, सुरभि, समृद्धि, एवरीबॉडी वी आर लाइक अ फैमिली और एक साथ काम करके हमें बहुत खुशी मिलती है। और आई थिंक उसका एक यही सीक्रेट है मेरे ख्याल से कि वो बहुत अच्छा खाना बनवा के लेके आती है, इतना मेनू कहाँ से सोचती है हम भी नहीं जान पाते, बट शी रियली गेट्स गुड फूड। हाँ जी, सेट पे भी एक सरप्राइज़ प्लान हुआ था, हमने उसको सरप्राइज़ दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे सबके ऊपर फोम स्प्रे छिड़क डाला, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक ऐसे ही आप लोगों को खुश करते हो छोटी छोटी चीज़ें करके। हैप्पी बर्थडे यशा, मे गॉड ब्लेस यू एंड यू हैव यू अचीव लॉट्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ। हैप्पी बर्थडे यशा, थैंक यू। बहुत ज़्यादा बर्थडेज़ के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि आई स्टार्ट प्लानिंग थिंग्स बहुत दिनों पहले, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे विश करते हैं एंड आई कीप सेइंग थैंक यू एंड व्हेन यू से थैंक यू यू ऑटोमेटिकली फील नाइस, सो आई थिंक आई लव दिस डे बिकॉज आई कैन बी ग्रेटफुल टू लॉट ऑफ पीपल। ओ माई गॉड, शी इज़ माई ग्रूमी पार्टनर, बलून पार्टनर, हमारी एक ब्रांड है, इट्स कॉल्ड ग्रूम बलून्स एंड बोथ ऑफ अस, मी एंड माई सिस्टर, वी आर द co-founders. सो एक बलून ग्रूमर का बर्थडे हो और बलून्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम पूरी दुनिया में बलून्स बांटते हैं, तो आई थिंक शी हैज़ फिल्ड द एंटायर पूल विद बलून्स, आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू जम्प इन दैट पूल। Yes, it's Yesha's birthday eve and it's Yesha's 20-something. 20-something is just a subtle way of saying that this is my last 20 and I'm very okay about it, very happy about it, I'm going to get mature. Okay, so what are the reasons for your 21? Resolutions, I don't really have any resolutions. आई टेक ईच डे एट अ टाइम, तो मैं ज़्यादा रेजोल्यूशंस बनाती नहीं हूँ, बस हर दिन खुश रहूँ और रखूँ वही सोचती हूँ। आई नो बहुत दिनों से आई एम सीइंग सो मेनी पोस्ट एंड सो मेनी डीएम, सो मेनी एडिट्स, सम पर्सन आई थिंक समबडी सेंट अ केक एट अ प्रोडक्शन हाउस ऑफिस टुडे एंड आई वाज सो हैप्पी और आज सेट पे भी हमने बहुत बड़ी केक काटी है, सो फॉर ऑल दैट लव आई ये बलून की जैसे मैं भी उड़ जाऊंगी ऐसा लग रहा है मुझे, आई एम सो हैप्पी विद ऑल द लव, या वेलकम। गुड टू सी यू ऑल्सो यार, हाँ बहुत ही खास दिन है, बताना चाहेंगे फैन को किस खास दिन के लिए आज आप यहाँ पे? बिल्कुल, आज खास दिन है क्योंकि आज जो मेरी एक्स कोस्टा, मेरी बहुत सी दोस्त, सबके चेहरे पे लाने वाली मुस्कान, उसका बर्थडे है, यशा का बर्थडे है और मैंने इसके साथ कुछ 1.5-2 साल काम किया, बहुत मज़ा आया, एकदम परिवार की तरह बन चुका है। वो घर पर आती है तो बिल्कुल बहुत मस्ती करते हैं, कई बार उसके घर पर जाना होता है या कहीं हम बाहर मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, यू नो शी इज़ लाइक एकदम लाइव वायर है, बहुत एनर्जी है एंड टच वुड ऐसे ही हमेशा खुश रहे यार, आई वांट कि हमेशा ऐसे खुश रहे, सबके चेहरे पे उसके चेहरे पे मुस्कान हो और सबके चेहरे पे मुस्कान ऐसी वो बांटते रहे ऐसी मुस्कान। सरप्राइज़ था कि मैं नहीं आने वाला था लेकिन मैं आ गया, तो वो इसके लिए वो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मैंने उसे कहा था कि मैं शायद नहीं आ पाऊँगा क्योंकि अभी कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो यू नो वी ऑल हैव टू बी केयरफुल, सो प्लीज़ गाइज बी केयरफुल, मैं हमेशा कहता हूँ अगर ज़रूरत नहीं हो, अगर अर्जेंट नहीं हो
देयर इज़ नो इमरजेंसी, प्लीज़ घर पे रहिए। इसके लिए मैं आया हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशल डे है, रिप्सी नहीं आ पाई क्योंकि वो अभी बाहर से आई थी ट्रैवल करके, तो बिकॉज शी टायर्ड, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत जल्द उससे फिर मिलेंगे। But yeah, it's a very good day and I wish her all the very best. I wish her lots of love in her life, lots of happiness and good work and lots of balloons, because abhi uska main suna hai ki usne ek nayi kuch setup bhi kiya hai balloons ka usne, which is very fancy. You know, so I think main chahta hu ki wo jo kare usme she should be very happy and she should be successful. Okay, iske alawa bhi itna pyar ka nazar aa chuka hai, trending on YouTube. Jee. Kya kuch fans se response kar rahe hain? बिल्कुल, आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, वो तो जानते हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, वो नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी कुछ नया आता है मैं चाहता हूँ कि लोग देखें उसे, अप्रिशिएट करें, अच्छा नहीं लगा तो बताएं हमें क्यों अच्छा नहीं लगा। सो डेफिनेटली आई वॉन्ट कि कल जब रिलीज़ हो रहा है प्लीज़ देखें और बार बार देखें, क्योंकि उससे व्यूज़ बढ़ते हैं और अच्छा लगता है जब कुछ 50 मिलियन 100 मिलियन, जब इतना बड़ा फिगर, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये मैं बहुत कम वीडियोज़ करता हूँ, लेकिन अब जब मैंने किया ही है और सुबह है मेरे साथ, तो हमारा नागिन में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारी केमिस्ट्री को, हमारी नोक झोंक को, यू नो ऑल द तकरार को, प्यार को, तो अब जो है लोगों ने हमें एक नए रूप में लोग हमें देखेंगे। क्या होता है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पे गन तानी है, गोली चलती है, लेकिन क्या होता है वो आपको कल देखना पड़ेगा 11 बजे। सॉरी, या आई मीन हैशटैग वानी ट्रेंडिंग, विच इज़ ग्रेट, आई एम रियली ग्रेटफुल ए बिकॉज बालाजी, आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह के कॉन्सेप्ट और स्टोरी और क्रिएटिव वो लेकर आते हैं, बहुत कम लोग लेकर आते हैं, आई थिंक गट्स चाहिए, तो आई थिंक ए बालाजी थैंक यू सो मच, आई थिंक आप लोग इतने कमाल के कैरेक्टर्स बनाते हैं। उसके बाद एक्टर्स, ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं जितना हम मेहनत कर पाएँ, तो वीरांशु और वानी ने कोशिश की कि वो कुछ कमाल करें और कमाल हो गया, तो बस अभी उसका हैशटैग वानी हो गया, और अभी जो है इस वीडियो के बाद लोग क्या हैशटैग करते हैं मुझे नहीं पता, बट आई एम होपिंग कि कुछ अच्छा हो। Of course, it's Yesha's birthday and we are super excited and we wish her a very happy birthday. We love you, Yesha baby, from the bottom of our heart. She's a sweet human being. Yeah. That's my girlfriend. Actually, this bond is irreplaceable and I would say that this is overwhelming. And it's been like 4 months since we have known her, but it feels like we have known her for recent years. The bond is really good. Surprise, I'm already on the set for each other. Everybody. We cut the cake. No spray and all. And snow spray and teasing and some pranks. We have done that already. Okay, last thing is happy birthday, Yesha Didi. We love you. Take love care you so and much. Bless you. जी आज मेरी बहुत अच्छी दोस्त यशा का बर्थडे है और बहुत टाइम बाद मैं उससे मिल रहा हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी आप लोगों ने मुझे रोका हुआ है, पर यू नो 12 बजे से पहले आई होप मैं मिल लूँ उससे। तो यार उसका बर्थडे है, इट्स स्पेशल डे फॉर हर एंड आई एम जस्ट मीटिंग हर आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो आई विश हर ऑल द लव एंड ऑल द लक। येशा के साथ मैं उसके शो में जीत के तो पियामर में कैमियो किया था और आई वाज देयर फॉर कपल ऑफ मंथ्स, बट यू नो कभी कभार आप कम टाइम के लिए भी जाते हो बट आप लोगों से क्लिक कर जाते हो, तो आई गेस येशा के साथ मेरा वैसे ही वैसी फ्रेंडशिप रही है और हम पिछले 3 साल से टच में रहे हैं, तो अब आज भी उसने मुझे बर्थडे पर बुलाया, तो यू नो देयर इज़ फ्रेंडशिप और आई मीन वी हैव केप्ट इट फॉर 3 ईयर्स, वी हैव केप्ट इन टच। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मिलने का बिकॉज वो भी शूट कर रही थी, मैं भी बाकी बाकी शूट कर रहा था, तो ऐसी स्पेशल ओकेजन होते हैं जहाँ आप मिलते हो, तो आई एम रियली एक्साइटेड मीट हूँ। जी मेमोरीज़ तो मेरी वही उसी शो से जुड़ी हुई है बिकॉज पहले दिन मैं काफ़ी नर्वस था बिकॉज किसी भी आप नए डिफरेंट सेट पे जाते हो, यू डोंट नो एनीबडी, तो कई बार होता है ना कि एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी यूज़ एन इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा एकदम से घुल मिल नहीं जाता, तो येशा मेड मी वेरी कम्फर्टेबल, तो वो मेमोरी है मेरी उसके साथ। और फिर हाँ, जब खाली टाइम मिलता था बहुत बातें होती थी और वो अपने काम के बाद जो शी इज़ वेरी आर्टिस्टिक, वो बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट एंड यू नो बहुत शी इज़ वेरी आर्टिस्ट, वो शी कीप्स डूइंग समथिंग और ज़्यादा, उसका मेकअप रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बताती थी, बहुत फैसिनेट करता था,
और उसकी स्टोरी भी कैसे वो एक्टिंग में आई, आई मीन दैट इज़ ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग. तो हाँ बहुत बातें होती थी, बहुत बूमरैंग्स बनते थे. सो आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद येशा. मैं आ गया हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट क्या है येशा के लिए? जस्ट जोकिंग. आई मीन आई वाज शूटिंग, सो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर घर पहुँचा और जो मुझे मिला और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा था. आई एम श्योर शी विल लव ईशा. आई जस्ट बी एज ब्यूटीफुल एज यू आर, कीप लविंग द वे शी डज टू एवरीबडी. आई मीन शी इज वेरी हम्बल, शी इज वेरी स्वीट. और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसने किसी का दिल तोड़ा हो, यू नो. सो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन दैट वो सबको खुश रख सकती है. शी इज समबडी लाइक दैट. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी विच यू नो हर एक में नहीं होती. वैसी रहो जैसी आप हो और खुश रहो, काम करती रहो. वेलकम. यशा का बर्थडे, ज़ारा का बर्थडे, मैं तो ज़ारा ही बोलता हूँ. सेट पे भी मनाया हमने आज, बीच में एक प्रोग्राम भी था, तो बड़ा मज़ा आया. और बहुत कमाल की लड़की है, बहुत हमेशा ही एंटू रहती है, मस्ती करती रहती है. सो आना तो है, हालांकि मैं शूटिंग से सीधा आ रहा हूँ, घर गया सिर्फ एक चेंज किया. और यशा ना, मैं सच बताऊँ, मैं इन सब बच्चों में काफ़ी सीनियर हूँ. ये इतने कमाल के बच्चे हैं, मैंने बहुत काम किया है, ये इतने अच्छे हैं ये लोग. इनसे सिर्फ एक शेयर करो कि बेटा ऐसा कर लो, तो वो और भी ज़्यादा पूछेंगे, अच्छा ऐसा कर लें, ऐसा कर लें. बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, मतलब दिमाग ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा अच्छा संघर्ष है, क्योंकि मुझे भी याद है हम लोग भी जब छोटे थे हमारे सीनियर्स थे वो हमको बोलते थे कुछ मत करो सिर्फ कॉपी कर लो तो भी तुम जीत जाओगे. तो ये भी उस तरह के बच्चे हैं. मैं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी सीनियर्स के साथ भी काम किया है, दे आर माइंड ब्लोइंग. एंड यशा तो बहुत ही अच्छा काम करती है. आज ही एक सीन था हम लोगों का, एक सिर्फ इशारा करना था कि उसको वो पकड़ लेता है, एंड कमाल का परफॉर्म किया उसने. सच बताऊँ आज तो मैं कुछ नहीं कर पाया बिकॉज ये शूटिंग थी. क्या आप मेरी आवाज़ से भी समझ गए होंगे, शूटिंग से सीधा आने के बाद कुछ भी खुला नहीं था. आजकल सब जल्दी वो हो जाता है, तो कुछ सरप्राइज़ मेरे मन में है जो मैं यशा को गिफ्ट करूँगा सर, और वो आपसे शेयर करेगी. गॉड ब्लेस सर, भगवान करे वो बहुत तरक्की करे. जितना अच्छे वो दिल की है, जितना अच्छा काम करती है, जो भगवान ने उसके लिए नहीं भी लिखा वो भी उसको. थैंक यू सो मच.